मारेगा तो उठ नहीं पाएगा, करोड़ों में एक है वो। मतलब तुझे दो लड़के पसंद है? ओए तमास मास राजा, जरा उठा के मार बैंड बजा। मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे साउथ फिल्मों के मास महाराजा के नाम से जाने जाने वाले रवि तेजा की फिल्म धमाका के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म धमाका के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 की, तो फिल्म धमाका का बॉक्स ऑफिस पर अपना तीसरा हफ्ता कम्प्लीट हो चुका है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन रहा है। दोस्तों फिल्म धमाका के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 की बात करें तो फिल्म धमाका ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 के अंदर वर्ल्ड वाइड 0.50 करोड़ का टोटल ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म धमाका का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 110.45 करोड़ का टोटल ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है, जहां फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से टोटल 72.40 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। दोस्तों फिल्म धमाका के बजट की बात करें तो फिल्म को 40 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म धमाका आंध्र एंड तेलंगाना बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही। दोस्तों आप सभी को बता दो कि दिनों बॉक्स ऑफिस पर बहुत सी बड़ी फिल्में रिलीज हुई है, जिसके चलते फिल्म धमाका के कलेक्शंस में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही। फिल्म धमाका दोस्तों आपने देखी या ना देखी, अगर आपने ये फिल्म को मिस की है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं निखिल सिद्धार्थ एंड अनुपमा परमेश्वरन स्टारर फिल्म 18 पेजेस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 के बारे में। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म 18 पेजेस का भी बॉक्स ऑफिस पर अपना तीसरा हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 की बात करें तो फिल्म का डे 21 तक आते आते कलेक्शंस करने के मामले में काफी गिरावट देखने को मिल रही। फिल्म 18 पेजेस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 की बात करें तो फिल्म ने डे 21 के अंदर 0.15 करोड़ का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शंस किया है। इसी के साथ फिल्म 18 पेजेस का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 26.95 करोड़ का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है, जहां फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से टोटल 18.96 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। दोस्तों फिल्म 18 पेजेस के बजट की बात करें तो फिल्म को 16 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर। दोस्तों फिल्म 18 पेजेस फिल्म धमाका से क्लैश हो रही। फिल्म 18 पेजेस दोस्तों आपने देखी या ना देखी, आप किस फिल्म को लेकर क्या राय है अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ये दोस्तों बात करते हैं कनाडा की नई रिलीज फिल्म वेढ़ा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म वेढ़ा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 की, तो डॉक्टर शिवा राजकुमार स्टार फिल्म वेढ़ा ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 के अंदर वर्ल्ड वाइड 5 लाख की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म वेढ़ा का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 18.07 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है, जहां फिल्म ने कनाडा का बॉक्स ऑफिस से टोटल 15 करोड़ ग्रॉस की कमाई कर चुकी है। दोस्तों फिल्म वेढ़ा के बजट की बात करें तो फिल्म वेढ़ा को मात्र 8 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। फिल्म वेढ़ा दोस्तों एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म वेढ़ा अगर आपने मिस की है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं बॉलीवुड की नई रिलीज फिल्म सर्कस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 के बारे में। फिल्म सर्कस का बॉक्स ऑफिस पर अपना तीसरा हफ्ता कंप्लीट हो चुका है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास असर नहीं छोड़ पाई। फिल्म के डे 21 कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म सर्कस ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 के अंदर 0.10 करोड़ का टोटल नेट कलेक्शंस किया है। इसी के साथ फिल्म सर्कस का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 41.10 करोड़ का टोटल नेट कलेक्शंस हो चुका है। वहीं दोस्तों फिल्म सर्कस के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात कर ले तो फिल्म सर्कस का टोटल वर्ल्ड वाइड से 65.36 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शंस हो चुका है। दोस्तों फिल्म सर्कस के बजट की बात करें तो फिल्म को 115 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म को थिएटरिकल हिट होने के लिए 125 करोड़ के आंकड़े को पार करना था, लेकिन फिल्म जिस तरीके से कमाई कर रही, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही। फिल्म सर्कस दोस्तों एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म सर्कस आपने नहीं देखी तो नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। तो दोस्तों ये था लेकर चौका हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।